हत्या ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी फर्जी है। पूरी तरह से पब्लिसिटी और फर्जीवाड़ा है। क्या कौडिलिया क्रूज से एक ग्राम भी ड्रग्स जब्त नहीं हुई? एक ग्राम भी कोई सीजर ना जहाज पे हुआ, ना टर्मिनल पे हुआ, ना किसी के पास से कोई बरामदगी हुई। क्या आर्यन खान की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी का हाथ है? एनसीबी के साथ दिखे मनीष भानुशाली और केपी गोसावी कौन है? क्या आर्यन के बहाने शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है? और शाहरुख खान का बीजेपी का क्या रिश्ता है, आप लोग को पता है? 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे कौडिलिया क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी होती है। लेकिन अब इस गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने सवाल उठा दिए हैं। नवाब मलिक ने कहा है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी फर्जी है। मैंने तो आर्यन खान को पकड़ा गया वो केस सही है कि गलत, हमारी जानकारी से फर्जीवाड़ा है। पिछले कई दिनों से ये क्राइम रिपोर्टर को सर्कुलेट किया जा रहा था कि नेक्स्ट टारगेट शाहरुख खान है। अब सवाल यह है कि नवाब मलिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर ऐसे संगीन आरोप क्यों लगा रहे हैं? वैसे कहा जा रहा है कि जब से एनसीबी ने नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया है, तभी से वो खुन्नस में है। नवाब मलिक के दामाद को अगर वो निर्दोष है तो इतने सप्ताह क्यों जेल में रहना पड़ा? और कोई भी व्यक्ति हो, देखो बच्चा जो होता है उसके बारे में हमें माँ बाप के प्रति सहानुभूति है कि बच्चे इस उम्र में कभी कभी फिसल जाते हैं। बीजेपी और एनसीबी का ये कहना कि मेरे दामाद पे कार्रवाई होने के कारण मैं ये बयान दे रहा हूं। नवंबर महीने में जब कार्रवाई शुरू हुई उस समय से हमने सवाल उठाना खड़ा किया। आज अगर एनसीबी के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते हैं कि प्रिजुडिस मानसिकता से हो रहा है, जवाब चाहिए तो न्यायालय में जाओ, क्या अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं? लेकिन नवाब मलिक कहते हैं कि अगर वो ये सब अपने दामाद पर कार्रवाई से बौखला कर रहे हैं तो आर्यन खान की गिरफ्तारी के वक्त एनसीबी के साथ बीजेपी के आदमी क्यों नजर आए? एनसीबी मनीष भानुशाली और किरण गोसावी का सच क्यों छुपा रही है? हम आपको बता दें कि कौडिलिया नाम के क्रूज पर कथित छापेमारी के बाद मनीष भानुशाली अरबाज मर्चेंट नाम के आरोपी को और किरण गोसावी शाहरुख खान के बेटे आर्यन के इर्द गिर्द नजर आए। ये दोनों न तो एनसीबी के अधिकारी हैं और न ही पुलिसकर्मी हैं। तो फिर कौन है? तो नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ फोटो दिखाकर इनका खुलासा किया। इन महाशय के फोटो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। मनीष भानुशाली के फोटो अमित शाह जी के साथ है। मनीष भानुशाली के फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ है। मनीष भानुशाली के फोटो गुजरात के कई मंत्रियों के साथ है। एनसीबी को बताना पड़ेगा कि मनीष भानुशाली लाइट के और एनसीबी के क्या रिश्ते हैं। बताया जा रहा है कि मनीष भानुशाली सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता है, जबकि आर्यन खान के साथ सेल्फी में दिख रहा दूसरा शख्स किरण गोसावी है जो खुद को एक प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है। ऐसे में नवाब मलिक ने एनसीबी पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और शाहरुख खान को टारगेट कर रही है। और शाहरुख खान का बीजेपी का क्या रिश्ता है, आप लोग को पता है? जो भी असंतुलता पे कुछ बात करता है तो उसको हम ठीक कर देंगे, इस तरह की बातें होती रही है। अब सवाल यह है कि हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के वक्त मनीष भानुशाली और किरण गोसावी क्या कर रहे थे? एनसीबी ने अपनी सफाई में इतना ही कहा है कि कुल 9 लोगों को बतौर पंच यानी स्वतंत्र गवाह के तौर पर बुलाया गया था, जिनमें भानुशाली और गोसावी भी शामिल थे। तो जो कार्रवाई हुई है सब लीगली प्रमाण से हुई है, कायदे के हिसाब से हुई है, तो ज्यादा उसमें कुछ कहना नहीं है। अच्छा, उसमें मतलब जो जिन पर ये आरोप लगा जा रहा है कि बीजेपी के हैं, तो बेसिकली पंचनामा की जरूरत पड़ती है, तो वो पंचनामा देखिए, अगेन मैंने जैसा कहा है कि सब ये कायदे के प्रमाण के हिसाब से लीगली वे में हुआ है।
जिस बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली को नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर मोदी से लेकर अमित शाह के साथ दिखाया, उस मनीष भानुशाली से आज तक ने भी बात की और पूछा कि आखिर सच्चाई क्या है। दो हाई प्रोफाइल एक्यूज, एनसीपी ने दावा किया कि क्रूज पे हमने छापा मारा, 3 दिन तक प्लानिंग चलती रही, 26 अधिकारियों के जरिए रेड की गई और जोनल ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है, उनकी भी बाइट है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। बाद में खबर आई कि 8 ही आदमी थे। एक अफसर जो पूरी तरह से रेड को मॉनिटर कर रहा है, वेग स्टेटमेंट करता है कि 8 से 10 लोग थे, या तो 10 लोग रहे होंगे, 2 लोगों को छोड़ा गया, या 8 ही लोग थे, किसी और 2 लोगों को फ्रेम करने की साजिश एनसीबी ने की थी, ये स्पष्ट हो रहा है। हम आपको बता दें कि आर्यन खान के साथ जिस किरण गोसावी की सेल्फी लेने वाली फोटो वायरल हो रही है, उस पर पूजा भट्ट ने भी निशाना साधा और एक ट्वीट में लिखा कि और फिर हमारे बीच वो लोग हैं जो पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में प्राइवेट डिटेक्टिव का रोल पाने में भी फेल हो जाएंगे। सच्चाई काल्पनिकता से ज्यादा अजीब है और कई अधिक क्लीशे से भरी है। अब हमें बॉलीवुड के विलन जैसा दिखता है के बजाय सरकारी एजेंसी से भेजा हुआ प्राइवेट डिटेक्टिव जैसा दिखता है कहना शुरू कर देना चाहिए। पूजा भट्ट के इस ट्वीट पर एक इंटरनेट यूजर ने उन पर शख्स की पहचान कराने का खुलासा किया। इस पर पूजा भट्ट ने जवाब दिया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आपको बता दें कि आर्यन खान के साथ सेल्फी ले रहे अनजान शख्स को पहले एनसीबी का अधिकारी बताया जा रहा था, जबकि वो किरण गोसावी है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। एनसीबी किरण गोसावी को ड्रग्स केस का चश्मदीद बता रही है। दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक।